हेलो एवरवेंट टूडे विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास इलेवन ज्योग्राफी दैट इज़ इंडिया लोकेशन फ्रॉम द बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट इन नाइन्थ क्लास यू हैव स्टडी दिस दिस टॉपिक क्योंकि जो आपके नाइन्थ क्लास में टॉपिक थे दोज वर आल्सो सेम एग्जैक्ट सेम थे बिल्कुल uh, कोई चेंजेस नहीं थे ज़्यादा बट इन एलेवंथ क्लास यू विल स्टडी दिस टॉपिक इन अ ब्रॉड मैनर क्योंकि क्लासेज भी बड़ी हैं तो आपके टॉपिक्स भी थोड़ा इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको तो इसमें पहला टॉपिक था आपका लोकेशन का और इसमें भी लोकेशन का ही है तो लोकेशन आपका क्या होता है लोकेशन हम किसी भी पूरे अर्थ के ऊपर इफ यू वॉन्ट टू नो द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस तो उसके लिए हम जो है अर्थ के ऊपर डिनोट करते हैं दो चीज़ों को लॉन्गीट्यूड और लैटिट्यूड को तो इन्हीं के बेसिस पे है जो हम किसी एरिया की लोकेशन का पता लगाते हैं जैसे कि इंडिया की लोकेशन है आपकी पे आप, सी है आपकी इंडिया की लोकेशन है ये जीरोट्यूड कौन से हैं आपके ये वाले दिस वन लेटी हुई लाइन जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट तक होती हैं या आपकी लेटीट्यूड्स होती हैं ठीक है ये जीरो डिग्री डिग्री आपके इक्वेटर पे है ओके आफ्टर दैट जो आपके लॉन्गी होते हैं लॉन्गीट्यूड आपके जीरो डिग्री नॉर्थ टू जीरो डिग्री साउथ तक आपकी जो लोकेशन वो होती है लाइन होती है इमेजिनरी लाइन जो हमने मान रखी है वो आपकी लॉन्गीड्स होते हैं यह आपकी ग्रीन विच लाइन होती है जो आपका टाइम को पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है टाइम नोट करने में आपकी हेल्प करती है तो इसमें अब इंडिया की लोकेशन देखते हैं जीरो डिग्री है इंडिया का जो है यहां पे पॉइंट है ये लोकेशन आपकी एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ क्योंकि आपका जो हमने अर्थ को दो हेमिसफेयर में डिवाइड किया है जीरो डिग्री से ऊपर नॉर्दर्न डाउनवर्ड आपका साउदर्न हेमिसफेयर ठीक है तो आपका ये इंडिया के लोकेशन नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर है एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ ठीक है ये आपका लेटीट्यूड है ये इसके इंडिया के दोनों आफ्टर दैट ईस्टर्न आपके जो लॉन्गिट्यूड में आते हैं ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ठीक है ये आपकी लोकेशन होगी इंडिया की लोकेशन यानी दोनों लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में आपकी जो है इंडिया की लोकेशन हमें मिलती है ओके okay, तो आपकी नॉर्थ टू साउथ तक आपकी इंडिया की लेंथ है जो किलोमीटर में आ, थर्टी टू हंड्रेड फोटीन किलोमीटर और ट्वेंटी नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री किलोमीटर आपकी ईस्ट से वेस्ट तक की जो लेंथ है आपकी देखने को मिलती है हमें सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लेटीट्यूडी लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये आपका जो है हम ने जो आपका चैप्टर आएगा क्लाइमेट वाला उसमें स्टडी करेंगे कि क्योंकि लेटीट्यूड की वजह से जो आपका इक्वेटर से ऊपर जाते हैं इक्वेटर से नीचे आते हैं आपका नॉर्दर्न पोल या साउथर्न पोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है जीरो डिग्री इक्वेटर पर जो डायरेक्ट सनरेज पड़ती है तो कितनी हीट मिलती है वहाँ पर ठीक है वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि भई जो आपका इंडिया एक्सटेंड है हमने देख लिया एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ टू थर्टी सेवन तो डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड और ईस्ट ईस्ट में हमने देख लिया ईस्ट टू ईस्ट आपका सिक्सटी एट डिग्री जो आपने ग्रीन विच लाइन देखी थी ग्रीनविच लाइन से राइट साइड आपकी ईस्टर्न कंट्री और दूसरी साइड आपके वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि वेस्ट वाले एरिया वे में उनको माना जाता है तो इसमें आपका दोनों का हम देखिए यहाँ से इस नॉर्थ से नॉर्थ तक आपका थर्टी डिग्री और ईस्ट टू ईस्ट तक आपका भी थर्टी डिग्री का जो डिफरेंस है बट जो हम अभी इसमें एक चीज और देखेंगे कि अवे फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया द साउदन मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री इन द अंडेमान निकोबार आइंडा इंटर पॉइंट इज लोकेटेड एट सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तो अब हमने देखा था ए जो आपका एट एट डिग्री फोर मिनट था ये मेन लैंड था जो आपका लैंड वाला पोर्शन होता है लेकिन उससे भी साउदन चलते हैं तो आपका आईलैंड वाले पोर्शन में अंडेमान एंड निकोबार में इंडिया का जो साउद मोस्ट पॉइंट है वो डिग्री मिनट नॉर्थ माना जाता है इट्स नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कश्मीर टू कन्याकुमारी आपकी थर्टी टू हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर वैल इट इट्स ईस्ट विथ फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेशज ट्वेंटी नाइन एंड हंड्रेड थर्टी थ्री किलोमीटर अब ये देखिए आप इधर दोनों हमने देखा था यहाँ पे नॉर्थ टू नॉर्थ तक थर्टी डिग्री और ईस्ट टू ईस्ट तक भी नियर अबाउट थर्टी डिग्री बट यहाँ पे किलोमीटर में चेंज आ गए कैसे देखिए यहाँ पे जीरो डिग्री पे आपके जो अर्थ की जो है शेप है वो जियोइड है पूरी हमें पता है जियोएड है अपनी शेप है उसकी बट जीरो डिग्री पे वो जो है आगे उभरी हुई है तो इसी वजह से यहाँ पर 111 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाते हैं तो 110 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ हो जाती है और ऊपर नॉर्थ पोल तक पहुंचते हैं तो ये जीरो किलोमीटर भी हो जाती है तो दैट्स वाई आपकी जो है हम हमने देखा है यहाँ पे जो आपका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दोनों में लेंथ में फर्क इसीलिए मिलता है हमें देखने को नाउ इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्स द सी अपू ट्वेल्व नोटिकल माइल्स अबाउट ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन किलोमीटर फ्रॉम द कॉस्ट तो इसमें अब हम देखते हैं जो आपका मेन लैंड वाला पोर्शन था उसके बाद यानी कि लैंड मास जो हमारा होता है उससे अप टू ट्वेल्व नोटिकल माइल है जो हमारा टेरिटोरियल लिमिट होती है यानी कि हमारा समुंदर के ऊपर ओशियन में हमारा कंट्रोल होता है तो ये होता है आपका नियर अबाउट ट्वेंटी टू किलोमीटर इसमें आपका जो है स्टेटूड माइल होता है वो सिक्सटी थ्री थाउजेंड थ्री सिक्सटी इंचज और नोटिकल माइल आपका सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन सिक्सटी इंचज़ होता है और इसमें वन स्टेट माइल आपका अबाउट होता है वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर और वन नोटिकल माइल होता है अबाउट वन पॉइंट एट किलोमीटर सो द लॉन्गिट्यूड लिफरेंस बिटवीन शौराष्ट्र इन द वेस्ट एंड द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट इज अबाउट थर्टी डिग्री अभी हमने जो डिस्कस किया द अर्थ मूव अराउंड इट्स एक्सेस थ्रू थ्री सिक्सटी डिग्री इन ट्वेंटी फोर आवर्स दिफरेंस ऑफ वन डिग्रीड विल मेक अ डिफरेंस ऑफ फोर मिनट्स तो आपका एक डिग्री में कितना डिफरेंस हो जाता है आपका एक डिग्री जो आपका मूव करते हैं

ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ठीक है तो यहां पे हम जो आपका टाइम की बात कर रहे हैं कि आपका जो यहां से ईस्ट पे आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है जो दो घंटे पहले सूरज निकल जाता है और यहां से यहाँ तक थर्टी डिग्री का जो है डिफरेंस है तो इसमें थर्टी डिग्री में आपका वन ट्वेंटी मिनट्स यानी कि टू आवर्स का डिफरेंस हो जाता है ठीक है उसी के लिए हमने जो है उसी को हमने सोल्व करने के लिए कि भाई अब यहां पर दो घंटे पहले सूरज निकल जाता है तो टाइम का बहुत गड़बड़ हो गया इंडिया के अंदर तो उसी के लिए हमने जो सेंट्रल मेरीडियन एटी डिग्री थर्टी मिनट जो आपका बीचो बीच इंडिया के ऑलमोस्ट जो जाती है लेंथ आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर से मिर्जापुर के वो हमने देखी थी तो ये आपकी इसमें हमने देख लिया इसकी वजह से अब जो टाइम इस पे होता है वही हम इस साइड भी मानते हैं और वही हम इस साइड भी मानते हैं ठीक है जो आपका ब्रेथ जो ईस्ट टू वेस्ट की ब्रेथ है वो आपने यहां पे हमने देख ली और नॉर्थ टू साउथ तक की है जो आपकी वो हमने यहाँ पे देख लिया आपका जो ऊपर है नॉर्दर्न लैटिट्यूड है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ इंडिया का जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और इधर नीचे आपका कन्याकुमारी में एट डिग्री फोर मिनट मेन लैंड का है और साउदर्न साउद का ऑफ इंदिरा पॉइंट है वो सिक्स डिग्री फोर्टी फाइव मिनट का आपका यहाँ पे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये आपका ओके नाउ वी विल सी कि भी इंडिया का जो है इंडिया इज द सेवन लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का टोटल जो एरिया है वो थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ टोटल वर्ल्ड है और सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर यानी कि सातवें नंबर पर आता है एरिया के मामले में अब इसी में हम देखते हैं कि जो सिक्स कंट्रीज हैं विच आर लार्जर देन इंडिया आर उसको हम एक जो है एक चीज से याद करते हैं रकूक बाई ठीक है आपका रकूक बाई एक जो चीज है उसमें देखते हैं आर से रशिया आपका रशिया का रशिया पहले नंबर पर रशिया सेकेंड पे सी से चाइना ठीक है यू से आपका यूएस से अमेरिका और सी से कनेडा और बी से ब्राजील और ए e से ऑस्ट्रेलिया और ई से इंडिया ठीक है तो ये सात जो है सेवन लार्जेस्ट कंट्री हैं जो टॉप मोस्ट आपके इंडिया में मतलब वर्ल्ड में आपके टॉप मोस्ट एरिया के मुकाबले में पाए जाते हैं थैंक यू सो मच